नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारा एकमात्र प्रयास रहता है कि सनातन धर्म की महानता का ज्ञान जन जन तक पहुंचा सके। मुझे मालूम है कि आप लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, फिर भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। आपको हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य अचूक तांत्रिक टोटके, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाय जिनको कर आप अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय को सावधानी पूर्वक करना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको समर्थवान बना सकूं। साधना मार्ग के द्वारा आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, हिंदी अर्थ सहित ओम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्टोर देवी महात्म्य के अंतर्गत का पाठ स्त्रोत लोगों के लिए परम कल्याणकारी है। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भगवान शिव जी के द्वारा माता पार्वती को प्रदान किया था, जो रुद्रयामल तंत्र अंतर्गत गौरी तंत्र में वर्णित है। स्वच्छ एवं निर्मल मन से किया गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर है। इस स्तोत्र के मूल मंत्र नवाक्षरी मंत्र ओम ह्री क्लीम चामुंडाय विच्छे के साथ प्रारंभ होते हैं। कुंजिका का अर्थ है चाबी की, अर्थात कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करता है, जो महेश्वर शिव के द्वारा गुप्त लॉक कर दी गई है। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करते समय पद्मासन, अलथी पालथी मारकर लगाकर नेत्र बंद करके माता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए है। साधना गोपनीय रखे गुरु तथा मार्गदर्शक या गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य को साधना समाप्त होने तक कुछ न बताए, ना ही साधना समाप्त होने तक किसी से कोई चर्चा करे। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ के उपरांत किसी और जप या पूजा की आवश्यकता नहीं होती। कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से सभी जाप सिद्ध हो जाते हैं। इस स्त्रोत के पाठ से जो पुरुष या स्त्री विषम परिस्थितियों में फंस गया हो या उसे समस्या या विघ्न हो, तो प्रतिदिन प्रातः काल में इस स्त्रोत का पाठ करने पर उसके सारे विघ्न बाधा दूर होती है। पाठ विधि, संकल्प विधि। अथ कुंजिका स्त्रोत्र प्रारंभ। शिव उवाच। अथ मंत्र इति मंत्र। कुंजिका स्त्रोत्र हिंदी अर्थ मीनिंग इन हिंदी। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र पढ़ने के लाभ। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कैसे करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए। इस स्त्रोत्र का पाठ कौन कर सकता है। क्या भोजन के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। क्या मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज कर सकता हूँ। क्या मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संस्कृत की बजाय हिंदी में कर सकता हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ दिवस में किस समय करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र में आए बीजों बीज मंत्रों का अर्थ जानना न संभव है और न ही अत्यावश्यक, अर्थात केवल जब पर्याप्त है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इस प्रकार है। पाठ विधि। पाठ करने के लिए स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध आसन पर बैठकर माता का ध्यान करना चाहिए। मन भी शुद्ध होना चाहिए और किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। नवरात्र में 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, दूसरों की निंदा, गली गलौच आदि से बचना चाहिए। नास्तिकों, दुष्टों, गौ ब्राह्मणों से द्वेष वालों का संग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना भी वर्जित है। काम क्रोध लोभ मोह आदि से बचना चाहिए। ममतामयी माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को किसी ऊंचे स्थान पर रखकर लाल कपड़ा बिछाकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पाठ न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, न बहुत धीरे धीरे। पाठ बोल कर करना चाहिए, न कि मन में। पाठ स्पष्ट रूप से करना चाहिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो इस विधि का ध्यान रखना चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्धता आवश्यक होती है। इस पाठ का प्रभाव बहुत चमत्कारी है। इसके नियमित पाठ से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नाम के अनुरूप ये सिद्ध कुंजिका है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। भगवती आपकी रक्षा करेगी। संकल्प विधि। लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन पर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख कर बैठ जाए। सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दे और उस पर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करे। अब माँ का सामान्य पूजन करे। तेल अथवा घी का दीपक प्रज्वलित करे। किसी भी मिठाई को प्रसाद रूप में अर्पित करे।
और हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि माँ मैं नाम आज से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 9 दिनों तक जितने पाठ करने का संकल्प ले वह बोले पाठ करूंगा। माँ मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे, जल भूमि पर छोड़ दे और साधक 51 पाठ आरंभ करे। इसी प्रकार साधक 9 दिनों तक यह अनुष्ठान करे, प्रसाद नित्य स्वयं खाए। अत कुंजिका स्त्रोत्र प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री कुंजिका स्त्रोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुपु छिन्दः श्री त्रिगुणात्मिका देवता। ओम ए बीजम, ओम ह्री शक्ति, ओम क्लीम कीलकम, मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनयोग। शिव उवाच, श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भावेत्। 1. न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानचन न्यासो न च वार्चनम्। 2. कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत, अति गुह्यतर देवी देवानाम्पि दुर्लभम्। 3. गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरुग पार्वती, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभो चाटनादिकम्, पाठमात्रेन संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। 4. अथ मंत्र, ओम ऐ ह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लो हो क्लीम जूसा, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐ ह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शफट स्वाहा। इति मंत्र, नमस्ते रुद्ररूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्य, नमस्ते महिषार्दिनी। 1. नमस्ते शुंभंत्य च निशुंभासुरघातिनी, जागृतम हे महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे। 2. अंकारी सृष्टिरूपाय ऋणकारी प्रतिपालिका, क्लिनकारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमोस्तुते। 3. चामुंडा चंडघाती च ये कारी वरदायिनी, विच्य चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी। 4. धा धी धौ भूर्जटे पत्नी वावी गौ वागधीश्वरी, क्रा क्री क्रो कालिका देवी शाशी शून में शुभ कुरु। 5. हुकार रूपिण्य जम 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 नादिनी, ब्रा ब्री ब्रो भैरवी भद्रे भवान्य ते नमो नमः। 6. अकम चम तम तम पम यम शम वी दुरे वी हमशा, दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। 7. पा पी पु पार्वती पूर्णा खाखी खो खेचरी तथा, सा सीसु सप्तशति देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व मे। 8. इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हित्वे, अभक्ते नैव दात्व्यम गोपित रक्ष पार्वती, यस्तु कुंजिकया देवी हीना सप्तशति पठेत, न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनम यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम तत्सत। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हिंदी अर्थ सहित। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। 1. जिसके पाठ के बाद कवच अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास यहाँ तक की अर्चन की भी आवश्यकता नहीं होती है। 2. केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। 3. हे पार्वती, स्वयोनी की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। 4. मंत्र ओम ए ह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लो हो क्लीम जू सहज वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ए ह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम शफट स्वाहा। हे रुद्ररूपिणी तुम्हें नमस्कार, हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, कैटभविनाशिनी को नमस्कार, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, 1. शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। 2. हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो, अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी क्री के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, 3. क्लीम के रूप में कामरूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है, चामुंडा के रूप में तुम चंद्रविनाशिनी और ये कार के रूप में वर देने वाली हो, 4. विच्छे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो, इस प्रकार ए ह्री क्लीम चामुंडाय विच्छे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। 5. धा धी धौ के रूप में धूर्जटी शिव की तुम पत्नी हो, वा वी वो के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो, क्रा क्री क्रो के रूप में कालिका देवी शाशी शून के रूप में मेरा कल्याण करो। 6.
वो हुंकार स्वरूपिणी जम 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 जमनादिनी भ्राभ्री भ्रू के रूप में है कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। सात अकम चम टम तम पम यम शम वी दु वी हम क्ष दिजाग्रम दिजाग्रम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पापी पु के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खा खी खू के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। आठ सा सी सु स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वन में रोने की भांति उसका पाठ सिद्धि रहित होता है अर्थात उसे सिद्धि नहीं मिलती। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। मंत्रोच्चारण पूर्ण करने के बाद देवी माँ से क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बेनिफिट। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के लाभ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है और उसकी वाणी और मन को शक्ति प्राप्त होती है। इस स्त्रोत के पाठ से अंदर से ऊर्जा मिलती है। ग्रहों से मिलने वाले कष्ट तंत्र मंत्र का असर और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कैसे करना चाहिए? किसी भी शांत वातावरण में स्वच्छ और आरामदायक वस्त्र पहनकर आरामदायक मुद्रा यदि हो सके तो पालथी मारकर या पद्मासन में बैठ जाएं। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसे लोग कुर्सी सोफा आदि पर बैठ जाएं। सबसे पहले 10 बार सामान्य रूप से प्राणायाम कर लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों नेत्रों के मध्य में ध्यान करते हुए सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करें। अर्थात आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का बुदबुदाकर शांति पूर्वक जप करें जिससे आपकी आवाज बहुत दूर तक न जाए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को पवित्रता का पालन करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए? एक विद्या प्राप्ति के लिए 5 पाठ अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख दें। 2 यश कीर्ति के लिए 5 पाठ देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर सेफ आदि में रख लें। 3 धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ सफेद तिल से अग्यारी करें। 4 मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ पाठ के बाद 1 नींबू काट दें। 2 ही हिस्से हो ध्यान रखें, इनको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दें। 5 ऋण मुक्ति के लिए 7 पाठ जौ की 21 आहुतियां देते हुए अग्यारी करें। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका बस ध्यान कर लें। 6 घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ मीठा पान देवी को अर्पण करें। 7 स्वास्थ्य के लिए 3 पाठ देवी को नींबू चाय और फिर उसका प्रयोग कर लें। 8 शत्रु से रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ लगातार पाठ करने से मुक्ति मिलेगी। 9 रोजगार के लिए 3, 5, 7 और 11 ऐच्छिक 1 सुपारी देवी को चाकर अपने पास रख लें। 10 सर्वबाधा शांति 3 पाठ लोक के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं या देवी जी के आगे 3 जोड़े लोक के रखकर फिर उठा लें और खाने या चाय में प्रयोग कर लें। इस स्तोत्र का पाठ कौन कर सकता है? इस मंत्र का जाप कौन कर सकता है? इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए कोई भी पुरुष महिला या बच्चा इसका जाप कर सकता है। साथ ही इसका अर्थ समझना अच्छा है ताकि आप जान सके कि आप क्या जप कर रहे हैं। क्या भोजन के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है? भोजन करने के बाद आपके शरीर में आलस्य आएगा और आपका ध्यान भटकेगा, तो मेरा सुझाव है कि आप इस स्तोत्र को भोजन से पहले या भोजन करने के 1 या 2 घंटे बाद पढ़ें। क्या मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज कर सकता हूँ? हाँ, बहुत से लोग इसका पाठ रोज करते हैं। ये स्तोत्र एक तांत्रिक स्तोत्र है, इसलिए यदि आप इसका पाठ करना नहीं जानते हैं तो आपको इसके बजाय सप्तश्लोकी दुर्गा मंत्र का पाठ करना चाहिए। क्या मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संस्कृत की बजाय हिंदी में कर सकता हूँ? अगर आपको अभी संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण पता है तो आप इसे YouTube से सीख सकते हैं, नहीं तो आप इस स्तोत्र का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ दिवस में किस समय करना चाहिए? रुद्रयामला तंत्र के अनुसार मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा समय एक गृहस्थ पारिवारिक व्यक्ति के लिए सुबह, एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के लिए सुबह और शाम और एक योगी के लिए कोई भी समय है।
सलाह के तौर पर आपको इस स्तोत्र का पाठ सुबह या शाम को स्नान के बाद करना चाहिए। गुरु आज्ञा लेकर ही इस साधना को आरंभ करें। तो हमें ज्वाइन करना ना भूले। आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दी गए शेयर के बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। दिल और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हर रोज कुछ नया सीखे, हमसे जुड़े, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें या सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हो। YouTube चैनल पर अभी वीडियो देखें। यदि आप हमारी कोई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा Facebook पेज को अवश्य लाइक कर लें। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन भी दबा दें। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क बॉक्स में डाल दें, हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने, वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।